भोपाल के थाना कोहेफिजा क्षेत्र में हुई घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी का मकान जमींदोज कर दिया है और असामाजिक तत्वों और बदमाशों के अड्डों को हटाने की कार्रवाई भी की है। पुलिस के प्रधान आरक्षक विजय यादव और आरक्षक विजय बहादुर पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। भोपाल पुलिस ने नगर निगम अमले के सहयोग से शातिर बदमाश उमर उर्फ पन्नी के घर के अलावा करबला रोड पर स्थित असामाजिक तत्वों के अड्डों, दुकानों, गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की। पुलिस व नगर निगम की टीम द्वारा सुबह कॉफी सेंटर, होंडा एक्सपर्ट स्कूटर स्पेयर सेंटर, सिटी बिरयानी, वेलकम टी स्टॉल, मेहताब भाई सब्जी वाले, बिग बाइट, फास्ट फूड सेंटर, KMC पान मसाला, हुक्का फ्लावर, KMC टी स्टॉल व वेलकम पान मसाला सेंटर को हटाया गया। यहीं पर ज्यादातर इन बदमाशों का जमावड़ा रहता था। साथ ही दूसरे मुख्य आरोपी हैदर हसन के नारियलखेड़ा गौतम नगर स्थित मकान को नगर निगम और पुलिस द्वारा गिरा दिया गया। तीसरे आरोपी अशर उर्फ आशु का मकान भी खाली करवाया गया है। बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।